हाय गाइस, हम हैं अभी मृणाल के घर पे एंड ही इज वर्किंग एट गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हमारे साथ नरेंद्र भाई थे, तो मिले हुए थे जब हम बैंगलोर आए थे, जब गूगल निकल चुकी थी। मेरे को न्यूज़ मिल गई थी बट तुम्हें नहीं मिली थी क्योंकि जब चल रहा था प्रोसेस एंड अभी हो गया है टाइम काफ़ी। तो कैसा लग रहा है भाई गूगल में? और ट्रांसपोर्ट वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना सच यहाँ पे? नहीं नहीं, बहुत पास में, बहुत पास में, हर चीज़ पास में, मार्केट वगैरह सब कुछ, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे। जाम तो क्यों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते ही नहीं है कहीं पर। काफ़ी सही। मेरा कैसा था यहाँ पर? यही मेरे कलीग के म्यूचुअल के थ्रू। तो ऐसे मैं तो एक दूसरी जगह रह रहा था, हाँ वहाँ रहा था ऑलमोस्ट एक महीने तक, फिर आई लेफ्ट दैट। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब वही ब्रोकर्स वगैरह से बात बात करने की जरूरत नहीं पड़ी? कनेक्शन वाला ब्रोकर्स के थ्रू था, ये वाला कनेक्शन। वो कैसा था? वो वन आरके था सिंपल। अच्छा, वो भी स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं था, बहुत सेक्सी था एक बंदे के रहने के लिए, बट अकेले रहने अकेले रह के बोर हो जाते ब्रो, क्या ही करें। और घर जैसा वाइब नहीं आता, कितना ही बढ़िया रूम हो, फैंसी सब कुछ नया था, पूरा न्यू बिल्ड था, बट वही है कि वो वाइब नहीं है, लिविंग रूम ना हो। फिर ऐसे तुम 35,000 में दो लोग रह रहे हो तो वही 17.5 टाइप्स। और मेंटेनेंस वेंटेनेंस तो है नहीं क्योंकि अलग से वो है। बाकी तुम्हें दिखाते हैं अभी घर वर, तो काफ़ी सही है। तो भाई अपने मृणाल का रूम है, ठीक है, अब यही दे दो यार, थोड़ा सा बता दो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या है एवरीथिंग जो भी यहाँ पे है सब गूगल ने दिया हुआ है। हाँ, कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये वाला बस खरीदा हुआ है। भाई तुम ये देखो क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कैसे पकड़ते हैं इसे, ऐसे पकड़ने का क्यों माउस? भाई मैंने बहुत देखे हैं ये एर्गोनॉमिक वाले बट कभी यूज नहीं किया था। कुछ फायदा होता है इसका? और कीबोर्ड भी काफी सेक्सी है ये भी जो है। ये तो है, ये तो मैंने देखा हुआ, तो बढ़िया रहता है माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि जो ऑफिस में भी लोगों को मिलता है ना ये वाला मिलता है, तो ये तो थोड़ा कंफर्टेबल है। तुम्हारे यहाँ से आया? हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एक्सटेंशन केबल भी ऑफिस से मिली हुई है इसको, और टेबल तो घर में फर्निशिंग मिली थी तो टेबल जो थी हमने उसको रिप्लेस करा के थोड़ा बड़ा टेबल ले लिया, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे रात में थोड़ी और अच्छी सेटअप बन जाती है, लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है। तो ये भी गूगल से कनेक्टेड है। ओके गूगल, चेंज द ऑफिस लाइट टू ग्रीन। तो हम ये करते रहते हैं आधे टाइम हमारे टाइम पर रेड कर दिए वो ग्रीन बोल के रेड कर देगा, बट कोई बात नहीं, बग बग निकाल दिया हमने, बग निकाल दिया गाइस। और मैं यहाँ पे अपना चैनल निशांत का चैनल देखते रहता हूँ, मेरा फेवरेट चैनल है, सब्सक्राइब ना हो। यही है लिविंग स्पेस, हमें बेड भी यहाँ पे मिला हुआ था फुल फर्निश्ड पे और वार्डरोब के साथ, और ये है न्यूक्लियर हट जो मृणाल को मिला था। सही है, ये तो हो गया तुम्हारा मेन रूम, मतलब मृणाल का रूम हो गया। और एक बार घर और दिखाते हैं। 3 BHK अपार्टमेंट है और ये लिविंग हॉल है हमारा, और किचन बहुत इंटरेस्टिंगली बड़ा है, और जब इतना अच्छा स्पेस होता कुछ बनाने में मन करता, तो वैसा काफ़ी बढ़िया सेटअप और सब कुछ नया नया फर्निशिंग करके दिया गया। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव केयर टेकर अमर भैया, जो कि बहुत अच्छा रहा। ये लग नहीं रहा है बैचलर्स वाला घर क्योंकि सब कुछ इतना साफ सुथरा सा लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये हमारे योगदान नहीं है, वो अमर भैया है जो हमारे केयर टेकर है, तो क्लीनिंग कुकिंग सब कुछ मिल जाती है हमें, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सही है, सही है। बाकी ये वाले रूम्स बंद हैं, ठीक है, ये फ्री रूम है, इसमें अभी ऐश्वर्या अपना पढ़ रही है, ठीक है, नरेंद्र की बहन। और इधर वाले रूम में जो जो फ्लैटमेट है देखो एक बार आ जाओ यहाँ से, मतलब अभी तो सामने पार्क है और कपड़े सूख रहे हो, मत देखना गाइस।
बढ़िया, दिस इज द बैल्कनी, यहां पे हम दिखा देंगे रेफरेंस के लिए। तो यार अभी मिनाल एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा है, पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दिया था, फिर उनको बाद में करेक्ट किया गया है। तो कौन सी टीम में काम कर रहा है ब्रो? तो हम लोग ये डेटा इंजीनियर की एक टीम होता है, होती है जी टेक बोलते हैं एज एन ऑर्ग, उसके अंडर हमारा आता है जी डेटा। ओके, उसके अंडर हमारा टीम है। तो कोई किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है फिर? नहीं, हमारा काम जैसे अलग अलग टीम्स को डेटा रिक्वायरमेंट होती है तो हम वो फुलफिल करते हैं। ओके, इंटरनल टीम की तरह काम, इंटरनल टीम की तरह। बढ़िया बढ़िया। और कैसा लग रहा है इतने दिन से गूगल में काम करते हुए? काफी काफी बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग काम है। कोई एक दो मतलब पहले जो लास्ट कंपनी में काम किया था इसमें कुछ डिफरेंस हो तो लग रहा हो? सिमिलैरिटी कुछ नहीं दिखती है, सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं दिखती, मतलब काफी कम सिमिलैरिटी दिखती है। वहाँ पे इट वाज सर्विस बेस्ड कंपनी, तो हम किसी और कंपनी के लिए काम करते हैं। अब यहाँ आके अपने लिए कर रहे हो एंड हमारे अंडर अब कुछ लोग हैं राइट, वो सर्विस बेस में है। राइट, फील्स लाइक एन अपग्रेड। सबसे वो क्या है मतलब फेवरेट पार्ट क्या है गूगल में काम करने का? ऑफिस एंबियंस ऑफ कोर्स। एंड जैसे जब डेटा इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर वगैरह किया था तो कैसे किया था? कुछ अलग इंटरव्यू राउंड्स हुए थे या फिर ऐसे ही टीम मिल गई? नहीं नहीं, स्पेसिफिक डेटा इंजीनियर के लिए ही अप्लाई किया था, तो उसमें SQL एंड जो आप करते हो ये सब ज्यादा पूछा था। कितने राउंड्स वगैरह हुए थे? चार इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। टेस्ट नहीं क्योंकि डायरेक्टली अब तो जब गूगल रिक्रूटर्स रीच आउट करते हैं तो टेस्ट स्किप ही हो जाता है। एक वो हुआ होगा फोन इंटरव्यू राउंड। फोन इंटरव्यू राउंड हुआ था, वो एक्स्ट्रा था एंड उसके बाद चार इंटरव्यू राउंड। तो किसी को अगर एज अ डेटा इंजीनियर एंटर करना है गूगल में तो कौन सी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा फॉर इंटरव्यूज? फॉर इंटरव्यूज आई वुड से बेसिक चीजों पे ध्यान देना इज द बेस्ट थिंग। आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, SQL एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। उसके बाद आता है डेटा पाइपलाइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग में थोड़ा घुसना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेसिक्स। तो इंटरव्यू के टाइम इतना ज्यादा नहीं पूछा होगा वो सब? पूछा था मतलब बेसिक्स ही पूछा था या फिर ये डेटा पाइपलाइन? दोनों ही पूछते हैं, दोनों ही पूछते हैं। बट पहले स्टार्टिंग राउंड्स आर ऑब्वियसली बेसिक्स एंड तुम्हारा देखते हैं कि हाउ यू थिंक एंड ऑल। वो क्लियर ही नहीं होगा तो आगे नहीं जाओगे। तो सही बात है, बढ़िया यार। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मज़ा आ रहा है काफ़ी लग रहा है। तो वैसे गुड़गांव लोकेशन ही चाहिए थी या फिर मिल गई? बस चाहिए तो बैंगलोर था बट बैंगलोर में जी ये इसकी ये, डेटा टीम नहीं है, डेटा टीम नहीं है, सारा टीम यहीं पे है और बाकी डबलिन में। अरे अरे नहीं नहीं बुला नहीं रहे, अप्लाई करेंगे वहाँ पे एक स्लॉट खाली हुआ, मिनाल बता रहा था। अच्छा तो हमें छोड़ के मत जाना मिनाल लंडन मत जाना भाई, यही बढ़िया है। लंडन में अगर तुम्हें ना बताओ यूके वगैरह में जो इंक्रीमेंट्स होते हैं एवरेज 2-3% होते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन नाम की इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। okay. तो जब तुम एक SG1 से SG2 या SG2 से SG3 भी जाते हो तो जो प्रमोशन परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा मिलेगी बट उसके बाद वहाँ पे बहुत स्टैग्नेंट सा हो जाएगा। इन वर्सेज इंडिया, इंडिया में सीधा सीधा 100% हाइक मिल जाती है, तो वो लाइफ स्टाइल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे मजा तो आएगा एक दो साल के लिए बस घूम फिर के। अभी मेरे पिछले जॉब से यहाँ पे 300% लाइक थी मैं। नहीं कि इसकी बेस्ट पार्ट है ना कि इसके पास जो गूगल कार्ड है इसका, इट इज एक्सेसिबल अराउंड द ग्लोब। राइट वो एनीवेयर भाई मैं वही वाला ट्रिप्स मारो भाई, हम लोग चलेंगे, ये सब हर एक ऑफिस घुस सकते हैं। ये सब बढ़िया है ब्रो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल इन सबका ये बहुत सही चीज है। तुम किसी भी ऑफिस में एक्सेस कर सकते हो, वन कार्ड वाला सिस्टम होता है। बस उसके लिए तुम्हें एक बार ये पोर्टल पे अप्लाई करना होता है हमें, तो अगर किसी ऑफिस में जाना है पोर्टल पे अप्लाई करो, तुम्हें परमिशन मिल जाती है। मैं इस घर के लिए बेनिफिट बताऊंगा, मिनाल ऑफिस आता है भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे प्रोडक्ट्स गूगल ने दे दिए हैं और मिनाल बस हमें अच्छे अच्छे खाना खिलाता है जब भी विजिटिंग आवर्स होती है। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई इसके जॉब से, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, सब चीज मिल रहा है भाई फ्री में। बेस्ट सही है, सही यार। दोस्तों को मोटिवेट करो, सबको गूगल में भिजवाओ भाई, खुद नहीं जा पा रहे तो दोस्तों को भिजवाओ यार, बहुत सही है। सही है, चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें मजा आया होगा एंड कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब